हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 मई 2019 की करंट अफेयर्स की, और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करें इससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगी कि इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप टेलीग्राम ग्रुप है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और अब तक जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो डाले उन सभी की जो पीडीएफ फाइल है वो डाल दी गई है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से आप सारी डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किड्स राइट इंडेक्स 2019 है, इसमें हमें बताना है कि भारत कौन से स्थान पर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 117वें स्थान पर, या फिर 150वें स्थान पर, या फिर 115वें स्थान पर, या फिर 107वें स्थान पर। तो यहाँ पे अब बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो देखो किड्स इंडेक्स की बात करें, किड्स राइट इंडेक्स 2019 की बात करें, तो इसमें भारत की जो पोजीशन रही है वो रही है 117वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की भाई भारत रहा 117वें स्थान पर, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री रही। तो फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पे रहा आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड रहा फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे रहा पुर्तगाल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। और जो ये सूची जारी की गई ये टोटल 181 देशों में से ये सूची जारी की गई है 181। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, और अगला क्वेश्चन है कि पांचवे स्मार्ट सिटीज इंडिया 2019 एक्सपो का जो उद्घाटन किया गया है ये कहाँ पे किया गया है ये हमें बता देना है। और इसके लिए ऑप्शन ए है मुंबई में, या फिर लखनऊ में, या फिर नई दिल्ली में, या फिर गोवा में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, देखिए यहाँ पे आज हमने क्वेश्चंस बस हिंदी में ही लिए हैं, अदरवाइज अपना बाइलिंगुअल चलता है हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि देखो यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी तो टाइम कम था, तो इस वजह से यहाँ पे इंग्लिश मतलब हिंदी में ही लिए है, अदरवाइज वो ही रहेगा डेली का रूटीन, इंग्लिश हिंदी दोनों में वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्या था क्वेश्चन कि पांचवे स्मार्ट सिटीज इंडिया 2019 की बात करें तो इसका जो एक्सपो का उद्घाटन है कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। अब देखो यहाँ पे भाई आवास और जो शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उसके सचिव जिनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया हुआ है फिफ्थ स्मार्ट सिटीज इंडिया 2019 एक्सपो का। ठीक है, और यहाँ पे डेट भी आप देख सकते हो ये चलेगा 22 मई से लेकर 24 मई तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइटर जेट पर डे मिशन में अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई है ये हमें बता देना है। और इसके लिए ऑप्शन ए है भावना कांत, या फिर ऑप्शन बी आयशा फारूक, या फिर ऑप्शन सी अवनी चतुर्वेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो भावना ये मतलब कि फाइटर जेट है इस पर डे मिशन में अर्हता प्राप्त करने वाली जो पहली महिला बनी है वो बनी है भावना कांत। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये ए है, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और जो ये भावना कांत है इन्होंने यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिग 21 बाइसन पर ये डे ऑपरेशन सिलेबस है ये पूरा किया है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है भावना कांत। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि इसरो के जो प्रमुख है इन्होंने भारत के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण टैंक है इसको हरी झंडी दिखाई है। तो गाइस हमें यहाँ पे बताना है कि भाई इसरो के प्रमुख ने दिखाई है तो क्यों ना हमें यहाँ पता हो कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मुंबई में, या फिर बेंगलुरु में, या फिर कोलकाता में, या फिर इनमें से किसी नहीं मतलब किसी में नहीं। तो यहाँ पे इसरो के मुख्यालय की बात हुई है, इसरो का मुख्यालय की बात करें तो यह है बेंगलुरु में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और जानते हैं इसरो के बारे में। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी फुल फॉर्म देखने को मिलती है एग्जाम्स में।
तो इसकी फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन की मैं बात करूं तो डॉक्टर के सिवान है, ये है इसके चेयरमैन, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश है जिसके सातवें बादशाह और फुटबॉल दिग्गज जो सुल्तान अहमद शाह है, इनका 12 मई 2019 को 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो हमें उस देश का नाम बताना है जिसके सातवें बादशाह और फुटबॉल दिग्गज सुल्तान अहमद शाह है, इनका 22 मई 2019 को 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो यहाँ पे इस देश की बात करें तो यह है मलेशिया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मलेशिया के थे ये। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मलेशिया की राजधानी क्या है, करेंसी क्या है, इसका डायलिंग कोड क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मलेशिया की राजधानी क्या है। तो गाइस मलेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर इसकी राजधानी हो गई। और इसकी करेंसी की बात करें तो मलेशियन रिंगिट इसकी क्या है, करेंसी है, और इसका डायलिंग कोड है +60, ठीक है। ये मलेशिया के बारे में देख लिया। अब नेपाल की बात करें तो राजधानी क्या है, काठमांडू, और करेंसी है रुपया, ठीक है। चीन के बारे में बात करें तो राजधानी है बीजिंग, और जो करेंसी है वो है रेनमिनबी और चाइनीज युआन, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश है, इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है ढाका, और जो करेंसी है वो है टका, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने देख ली है। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करें, इससे पहले देखिए आंसर क्या था हमारा, मलेशिया। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है मलेशिया का मैप देख सकते हो, और यहाँ पे देखिए ये कुआलालंपुर लिखा हुआ है, ये है मलेशिया की राजधानी। अगला देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारतीय वायुसेना ने सुकई 30 MKI लड़ाकू विमान के जरिए 22 मई 2019 को किस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन ए है ब्रह्मोस मिसाइल, या फिर धनुष मिसाइल, या फिर नाग मिसाइल, या फिर त्रिशूल मिसाइल। तो ये किया है जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया है 22 मई 2019 को। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो भाई यहाँ पे देखो 2.5 टन सुपरसोनिक हवा से सतह पर वार करने वाली ये मिसाइल है। कौन सी, ब्रह्मोस मिसाइल। कितनी है, 2.5 टन सुपरसोनिक मिसाइल है, हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। और इसकी रेंज की बात करें कि कितनी रेंज में ये वार कर सकती है, तो रेंज की बात करें तो 300 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने देख ली है। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम द्वारा जो पदोन्नति के लिए प्रस्तावित कितने जज के नाम है जिनको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। फिर से देखिए क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पदोन्नति के लिए प्रस्तावित कितने जजों के नाम को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो ये दिए 4 को, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इन 4 जजों की बात करें तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम झारखंड के जो चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध बोस, ठीक है, एक तो इनको दी है मंजूरी, दूसरी दी है गुवाहाटी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखो बस फर्स्ट अल्फाबेट लिख रही हूँ जगह के नाम का ताकि आप समझ जाओ। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी के चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है AS बोपन्ना, ठीक है, AS बोपन्ना, इनको दी है। और तीसरी दी है बॉम्बे के जो चीफ जस्टिस है, किसके, बॉम्बे के जो चीफ जस्टिस है बी आर गवई है, इनको दी है मंजूरी। और चौथे हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, किसके, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं सॉरी हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस जिनका नाम है सूर्यकांत, इन चारों को मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है।
अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा देश है जिसमें ब्रेग्जिट को लेकर संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता एड्रिया लेडसम ने है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है नेपाल की, या फिर चीन की, या फिर रूस की, या फिर ब्रिटेन की। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रिटेन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस ब्रिटेन की मैं बात करूँ, ब्रिटेन यहाँ पे हमने देख लिया, अब क्यों ना हम ब्रिटेन के बारे में सारी फैक्ट्स देख लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो इसकी जो करेंसी मतलब कैपिटल है, राजधानी क्या है, लंदन है। क्या है? लंदन इसकी राजधानी है। और इसकी जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग। दूसरी चीज, इसका जो डायलिंग कोड है वो है +44। और प्रेसिडेंट कौन है ग्रेट ब्रिटेन के? तो ये है थेरेसा मे। ये तो ब्रिटेन के बारे में देख लिया। अब ऑप्शन में हमें दिया हुआ नेपाल, जिसकी राजधानी क्या है, काठमांडू, और जो करेंसी है वो है रुपया। चीन की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है बीजिंग, और जो मुद्रा है चीन की वो है रेनमिनबी और चाइनीज युआन। दूसरी चीज हम बात करेंगे रूस के बारे में, जिसकी कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है, मॉस्को, और जो करेंसी है वो है रूबल। तो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करें, इससे पहले आंसर हमारा क्या था, ब्रिटेन। ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो ये है ग्रेट ब्रिटेन का मैप, और यहाँ पे इसकी बात करें राजधानी हमने क्या बताई थी, इसकी राजधानी बताई थी लंदन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है लंदन जो कि इसकी राजधानी है। तो यहाँ पे और ये सारी चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे ले लिए हैं। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है कि श्रीलंका में ईस्टर रविवार पर हुए सिलसिलेवार बम धमाके के बाद में देश में लागू किए गए आपातकाल को राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना है इन्होंने हाल ही में और कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 10 महीने के लिए, या फिर 7 महीने के लिए, या फिर 1 महीने के लिए, या फिर 4 महीने के लिए। तो ये बढ़ा है 1 महीने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया है इसके खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में मैदान पर उतरते ही कौन सी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने अपने 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरे कर लिए हैं। तो ऑप्शन ए है सुनीता लाकरा, या फिर गुरजीत कौर, या फिर रानी रामपाल, या फिर सुमन बाला। तो ये किए पूरे सुनीता लाकरा ने। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने देख लिया। और सुनीता लाकरा की बात करें तो ये भाई भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी तो ये है ही, लेकिन भारत में भी ये किस राज्य से है, उड़ीसा से है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी हमने देख ली है। और इन्होंने 2009 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी है इसमें पदार्पण किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सुनीता लाकरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा देश है जिसकी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी जो सोनी है, सोनी कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है कि भाई कौन सा देश है जिसकी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी सोनी ने 22 मई 2019 को खुलासा किया है कि वो भारत सहित कई अन्य देशों में अपना जो स्मार्टफोन है वो बेचना बंद करेगी। तो ये कौन से भाई, ये किस देश की ये दिग्गज कंपनी है सोनी? तो ये है जापान की। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जापान, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये सोनी कंपनी की बात करें तो इन्होंने कहा है भाई सोनी कंपनी ने कि फिलहाल ये जापान, यूरोप, ताइवान और हांगकांग, इन पर अपने स्मार्टफोन का जो कारोबार है इस पर ये फोकस करना चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पे जापान हमारा राइट आंसर है। तो जापान की बात करें तो राजधानी क्या है जापान की? राजधानी है जापान की टोक्यो। ठीक है, टोक्यो इसकी राजधानी है। और करेंसी की बात करें तो एन इसकी मुद्रा है। नेपाल का हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम दोबारा बात कर लेते हैं। राजधानी है काठमांडू और जो करेंसी है नेपाल की वो है नेपाली रुपया। चीन की बात करें तो राजधानी है बीजिंग
और जो करेंसी है वो है रेनमिनबी और चाइनीज युआन। नेक्स्ट यहाँ रूस दिया हुआ है जिसकी राजधानी है मॉस्को और जो करेंसी है वो है रूबल। तो सारी चीजें यहाँ डिस्कस हो चुकी हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो यहाँ डिस्कस हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जापान हमारा आंसर था, तो जापान का मैप आप देख सकते हो, यह है जापान का मैप और यहाँ पे है टोक्यो जिसकी मतलब टोक्यो है ये जापान की राजधानी है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस हुए खत्म और अब बारी है क्यूज की। और क्यूज में जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ प्रीवियस क्लास के यहाँ पे क्वेश्चंस में रखती हूँ 5 क्वेश्चंस, तो आज भी यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस रखे हैं जो कि हैं 23 मई का जो वीडियो था करंट अफेयर का उसमें से क्वेश्चंस लिए हैं। तो अगर आपने 23 मई का करंट अफेयर का वीडियो देखा होगा तो आपके पांचों के पांच क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है क्यूज का हमारा कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है जोका अलार्थी, या फिर ऑप्शन बी जेमिमा अर्नोल्ड, या फिर केविन जूड, या फिर एम्ब्रिशिया पार्कर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे जोका अलार्थी लिखिए, जोका अलार्थी, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया तो जोका अलार्थी, तो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये कब मनाया जाता है। और इसके लिए ऑप्शंस आपके सामने हैं 22 मई को, या फिर 21 मई को, या फिर 20 मई को, या फिर 19 मई को। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की मैं बात करूँ तो ये हर साल मनाया जाता है 22 मई को, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है इसके अनुसार जल्द ही जो अभी प्रेजेंट में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये इनके हस्ताक्षर किए जाने वाले मतलब हस्ताक्षर किए हुए जो कितने रुपये का नोट है वो जारी होने वाला है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है 5 रुपये का, या फिर 10 रुपये का, या फिर 20 रुपये का, या फिर 200 रुपये का। तो ये जारी होगा 10 रुपये का नोट जारी होगा जिस पर हस्ताक्षर होंगे जो प्रेजेंट में गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास, उनके साइन होंगे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इसने पीएसएलवी C-46 है इसके जरिए किस रडार सैटेलाइट है जिसका सफल प्रक्षेपण इसने किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन ए है रिसेट 2BR2, ऑप्शन बी है रिसेट 2A, ऑप्शन सी है रिसेट 2B, या फिर ऑप्शन डी रिसेट 1A। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रिसेट 2B। ठीक है, नेक्स्ट है कि आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन ए है 20 मई को, या फिर 21 मई को, या फिर 17 मई को, या फिर 19 मई को। तो देखो आतंकवाद विरोधी दिवस की बात करें तो हर साल मनाया जाता है 21 मई को, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 21 मई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके पास व्हाट्सएप पे स्टडी ग्रुप है उन सभी में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही घंटी के चिन्ह को जरूर दबा लीजिए जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।